Good morning everyone, this is Chunjin. Welcome back to our channel. This is day 2 and day 2 मतलब हम लोग कुआला लंपुर पहुंच गए हैं as per schedule. Ship अभी तो standstill है पूरा. Ship is now at a complete standstill and हमें आसपास सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. कल रात को बहुत अच्छा नींद हुआ. Now we will head for breakfast, freshen up होके उसके बाद 10 बजे हम लोगों का जो गाड़ी आने का बात है वो आएगा and then we will go for the Kuala Lumpur city tour. तो यही schedule है. फिर 4 बजे तक हम लोग फिर से वापस ship पे आ जाएंगे. चलिए जल्दी से fresh हो जाते हैं. We will head for breakfast first and then for the city tour. Ready ho chuke hain and now we are heading towards the port and we will be going for our Kuala Lumpur city tour. This is Dad carrying our backpack full of umbrellas. पोर्ट क्लांग क्रूज टर्मिनल से हम लोग अभी निकलेंगे कुआला लंपुर सिटी टूर के लिए. बट पापा बहुत ही टेंशन है में है कि कौन सा गाड़ी भेजने वाला है. एंड इनोवा देखकर तो पापा खुश ही हो गए, मतलब दिल खुश हो गया पापा का, बिकॉज पापा लव्स इनोवा. एंड दैट इज़ आवर शिप. इट्स रियली बिग एंड खूबसूरत नज़ारा, अमेजिंग रोड्स. दिस इज़ द हाईवे कुआला लंपुर जाने का. क्रूज टर्मिनल से निकलने के बाद ही हम लोग को ये हाईवे मिला. ओह माय गॉड, क्या नज़ारा है. मतलब मन कर रहा था गोप्रो बंद ही नहीं करूँ. प्लीज़ एंजॉय द सिटीस्केप्स. ब्यूटीफुल. बहुत बहुत खूबसूरत है. इट्स रियली रियली नाइस. हम लोग हमारे पहला साइट सीइंग का लोकेशन में पहुंचने ही वाले हैं. एंड पहला लोकेशन में हम लोग एक हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करने वाले हैं. नाम है टुगु निगारा. This is one of the best Kuala Lumpur tourist attractions, located at a walking distance from well-known lake gardens, Kuala Lumpur. The national monument is a historical sculpture which was built to pay respect to those Malaysians who lost their lives fighting for Malaya's independence. The historic structure Tugu Negara is also the tallest freestanding group of bronze sculptures. इट्स ब्यूटिफुल. बहुत पीस है जगह पर. आराम से आप घंटा 2 घंटा बिता सकते हैं. एंड तुरंत उसके बाद ही हम लोग निकल पड़े हमारे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, बिकॉज़ हाथ में टाइम बहुत ही कम था. हम लोग क्रूज़ छोड़ के आए हैं सिटीज़ टूर के लिए. कुछ कुछ बेस्ट अट्रैक्शंस को ही हम लोग कवर करने वाले हैं. हालांकि देखने के लिए तो बहुत कुछ है, शायद ही देख पाएंगे सब कुछ. सो दिस इज आवर सेकेंड डेस्टिनेशन, मेनारा केएल टावर. सो हम लोग केएल टावर पे पहुंच गए. टिकट्स भी ले लिए हैं। Menara KL Tower is a prominent Kuala Lumpur tourist spot in Malaysia. Though just 421 meter in height, it houses the highest viewing deck in Malaysia. At 276 meter, it is around 100 meter above the one in Petronas Twin Towers. This is the view जो हमने KL Tower से देखा है, मतलब मैंने नहीं देखा है, देवांजलि ने देखा है। अंदर शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ है, यू कैन बाय सोविनियर्स एंड यहाँ पे कौन से कंट्री में कौन सा हाईएस्ट टावर्स है, उसका हाइट क्या है, कौन सा सबसे बड़ा है, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। अच्छा लगता है। सेकेंड डेस्टिनेशन भी हम लोग कवर कर लिए हैं। दिस इज द मोनोरेल। मतलब एक दिन तो सिर्फ आपको रखना चाहिए, सिर्फ आपको पैदल वॉक अराउंड के लिए, सिर्फ आपको कुआला लंपुर पैदल चल के कवर करना है। एंड दिस इज द फेमस ट्विन टावर्स। यहाँ पे हम लोग का एक फोटो स्टॉप ही था, शायद हम लोग 10 मिनट ही रुक पाए हैं, बट क्या नज़ारा था। दिस इज़ द फेमस पेट्रोनस ट्विन टावर। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे अंदर जाएंगे, बट खैर कोई नहीं, अभी हम लोग वापस चलते हैं क्रूज़ के तरफ। बट जाते जाते अगेन माई फेवरेट पार्ट ऑफ मलेशिया सिटी इज़ द सिटीस्केप। दिस इज़ अनादर sightseeing destination, सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग। उसके ऑपोजिट में ही आपको मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मलेशिया का। ट्रस्ट मी, इट्स अमेजिंग टू वॉक अराउंड इन द सिटी, बट सैडली वी हैव टू लीव फॉर द क्रूज। एंड अभी हम लोग वापस चल रहे हैं क्रूज की तरफ। इट वॉज अमेजिंग कुआला लंपुर, सी यू अगेन। समुंदर इतना भी खूबसूरत हो सकता है, हमें पता नहीं था। इट्स अमेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल। ये नज़ारा मैं शायद मेरे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। इट वाज सो नाइस। And now it's time for some sports. Yes, I can do it. Yes, I'm almost ready. Yes. Now I'm trained. Don't worry, I feel confident. Trust me on this. I can do it. Yeah. Yes. You see? Piece of cake. It's for the amateurs, I guess. And yes, I finally did it. अपने आँखों को विश्वास नहीं हो रहा था। What we were seeing, what we were experiencing, it was amazing. The sky was different, the water was different. It was something I have never experienced before. We stayed there for an hour, but now it's dinner time. Back to Lido because Papa ko bahut pasand hai. Lido is best for Indian cuisine because Lido mein bahut sara Indian items available tha. We can have any cuisine, me, Debanjali and my sister, but Papa, no. Papa likes Indian food only, so it has to be Lido. अभी तुरंत हम लोग डेक पे चले गए आफ्टर डिनर. वर्ल्ड कप का माहौल था एंड एवरीबडी वाज पार्टिंग, हैविंग बियर्स. वी हैव सीन फ्यू पीपल प्रैक्टिसिंग टिक-टॉक मूव्स आल्सो एंड देयर इज द बिग स्क्रीन, बट हम लोग वहाँ पे बैठने नहीं वाले हैं. हम लोग जाएंगे पार्टी करने. आज का व्लॉग कैसा लगा? तो day 2 comes to an end and we will be sleeping very shortly. Day 3 कल से शुरू हो जाएगा and देवांजलि is already sad because 2 दिन कैसे निकल गया देवांजलि को पता ही नहीं चला. and जितना घंटे हम इस क्रूज़ में बिता रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि there's so much more to explore. आज तो बहुत अच्छे जगह हमने विज़िट किया है एंड वी हैड अ रियली ग्रेट टाइम. एंड कल का भी बहुत सारा प्लान्स है, बट कल सुबह तो हम लोगों का day 3 में पेनांग पहुंच रहे हैं ये क्रूज़. और पेनांग में हम लोगों का हल्का सा एक आज की तरह ही एक सिटी टूर लाइंड अप है. तो कल 10 बजे की जगह हमने प्रीपोन कर लिया है सुबह 9 बजे का, तो जल्दी सो जाएंगे. कल सुबह 9 बजे ड्राइवर हम लोग का वेट कर रहा होगा पेनांग का सिटी टूर के लिए. बट एक चीज़ है कि सिटी टूर में भी अभी जाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज देयर इज सो मच टू सी इन दिस क्रूज एंड सो मच टू सी एंड सो मच टू एक्सपीरियंस. एंड सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे रेस्टोरेंट्स है 3 दिन में इतने सारे रेस्टोरेंट्स में जाकर हर एक क्यूजीन को एंजॉय करना सिटी टूर के साथ मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. एंड इसीलिए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट को छोड़ के लीडो करके एक रेस्टोरेंट है, उसको छोड़ के बाकी सारे रेस्टोरेंट्स का क्लोजिंग टाइम बहुत ज्यादा अर्ली है. मतलब 8:30 बजे तक सब क्लोज हो जाते हैं. तो इतने सारे एक्टिविटीज के बीच में ये डिनर फिट नहीं बैठ रहा है. फिर लीडो में ही जाके बार-बार वहीं जा रहे हैं हम लोग लंच डिनर. But anyway, although it's a very nice place, but then the food is very good, to be very honest, and बहुत लंबा spread है. Yeah, there's lots of variety and it keep changing every day. But so, still, different restaurant and different cuisine को explore करना एक अच्छा अलग ही experience है. तो सच कहूँ तो एक किसी के लिए ये पूरा cruise जो भी facilities या events या offer कर रहा है वो सब कुछ एक ट्रिप में मैनेज करना नामुमकिन है मेरे हिसाब से. इफ यू वांट टू डू एवरीथिंग दैट इज इन ऑफर हियर वो एक्चुअली आई थिंक इम्पॉसिबल है. मतलब हर एक जगह में आप 10 मिनट बिता के फिर चलाना पड़ेगा, ऐसा बात है पॉसिबल नहीं है. सो बेस्ट थिंग इज जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहीं पे टाइम बिताओ. स्पेंड क्वालिटी टाइम बिकॉज आज हमारे कोलालमपुर ट्रिप में जो हमारे ड्राइवर थे मिस्टर संजीवी कुमारन, ही सेड दैट दिस क्रूज इज लाइक अ वर्ल्ड, इट्स अ मिनी वर्ल्ड. इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग. देयर इज अ थिएटर, देयर इज अ क्लब यू नो फॉर डांसिंग एंड वो तो आप लोगों ने देखा ही कि मेरे मम्मी का क्या, यू नेम इट and it is there actually, from a casino to a gym, from swimming pool to other sports activities, everything. There's everything for everybody's liking actually. So जिसको जो करने में पसंद आता है वही करना है. हम लोग को पसंद आता है अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लेना and मुझे तो वही अच्छा है. एंड आप लोग के लिए व्लॉग बनाना, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ईच अदर एंड आल्सो विद आवर फैमिली. सो पिछले 2 दिनों से वही कर रहे हैं, कल भी वही करेंगे होपफुली. यस एंड सो एनीवे, गुड नाइट फॉर नाउ. कल सुबह आप लोगों से बात होता है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. पीस आउट. शिंजन एंड देबांजलि साइनिंग ऑफ. गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय.